हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखो क्रिस्प सेट पढ़ लिया, समझ लिया एग्जांपल के साथ। अभी आती है बारी फजी सेट्स को समझने की। अपना ध्यान पूरा फोकस यहाँ पे दे दीजिए, मेरी बातों को समझते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके ऊपर बेसिस पे बहुत हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, ठीक है, समझना है काफी सारी चीजें। तो ये बेसिक है फजी सेट। अभी इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैंने यूनिवर्सल सेट यू लिया है, जिसमें मैं स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं, और दो सेट्स मैंने बिल्डअप किए, दो सेट्स मैंने बिल्ड किए कुछ इस तरीके से कि जी में मुझे सिर्फ गुड स्टूडेंट्स चाहिए और एस में मुझे सिर्फ बैड स्टूडेंट चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया। ओके, अब ये मैंने कैसे फॉर्म किया, इसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। मैंने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, मार्क्स के बेसिस पे मैंने गुड और बैड डिसाइड लिया, बिहेवियर लिया उसके बेसिस पे गुड और बैड किया, किस तरीके से उसका एटीट्यूड है उस हिसाब से गुड एंड बैड किया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस बेसिस पे हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को इन दोनों में डाला है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से एक सेट को, फजी सेट को कैसे डिफाइन किया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे जी और एस दोनों फजी सेट है, रिमेंबर दोनों के दोनों जो है फजी सेट है। अभी इन्हें कैसे डिफाइन किया गया वो इंपॉर्टेंट है। सी देखिए, हमेशा जो हमारा फजी सेट होता है उसमें हर एक एलिमेंट जो आपका होता है ना, हर एक एलिमेंट वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में होता है। कैसे फॉर्मेट में, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आपका हर एक एलिमेंट फजी सेट में होता है। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहला वाला जो पेयर में होता है वो होता है उस सेट का पर्टिकुलर एलिमेंट, जी मतलब एलिमेंट जो कि इस सेट को बिलोंग करता है, मतलब कैपिटल जी। अब ये स्मॉल जी ले लो, यू कैन टेक इट एज अ स्मॉल जी और ये कैपिटल जी, बराबर। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट इस कैपिटल जी को बिलोंग करता है, दैट्स इट। तो ये डायरेक्टली आपका एलिमेंट है, लेकिन ये चक्कर क्या है, ये क्या है, ये कैसा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहा है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ये जो है ये आपका, ये ऑल टुगेदर फॉर्म्स वन ऑर्डर्ड पेयर फॉर वन एलिमेंट इन द फजी सेट, बराबर। तो ये चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबरशिप फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंबरशिप फंक्शन। और ये मेंबरशिप फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द मेंबरशिप वैल्यू। अभी बेसिकली यहां पे इस मेंबरशिप फंक्शन का काम क्या है, ये क्या मेजर कर रहा है, तो बेसिकली दिस म्यू, मेंबरशिप फंक्शन को हम लोग नॉर्मली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो म्यू है ये मेजर कर रहा है डिग्री ऑफ गुडनेस, बिकॉज ये जी है ना, दिस इज द सेट जी, तो हम लोग को गुड स्टूडेंट्स देखने हैं, तो उन गुड स्टूडेंट्स के लिए हम लोग को डिग्री ऑफ गुडनेस मेजर करना है, तो वो कौन मेजर करेगा, हमारा जो अपना मेंबरशिप फंक्शन है वो मेजर करेगा, और मेजर करने के बाद जो आपका मेंबरशिप वैल्यू है उसे वो रिटर्न करेगा विथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, बराबर। तो अभी इसको मैं एक्सपांड करता हूं, ओके, और मेरे पास जो स्टूडेंट है अभी फिलहाल, तो भी वो है ए बी सी और डी, ये चार स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं गुड बोल सकता हूं, आई कैन से दैट दीज आर गुड स्टूडेंट, लेकिन अभी हमें उसके साथ साथ एलिमेंट्स के नाम के साथ साथ उनकी मेंबरशिप वैल्यू भी जोड़नी है, और वो एक आपको ऑर्डर्ड पेयर उसका बनाना है। जैसे कि अभी ये जी है, बराबर, ये जी सेट है। अब ये जो जी सेट है इसमें आपको, आप देख रहे हो, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर में एक वो खुद एलिमेंट है और दूसरी उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, बराबर। अब ये मेरा एलिमेंट क्या है, ए, ए मतलब सिंपली ले लो ए बी सी डी, सिंपल रखने के लिए, ये स्टूडेंट के नाम है, बराबर। अब ये जो स्टूडेंट ए है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है, स्टूडेंट बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.7, इसकी 0.1 और इसकी 0.3 है, बराबर। मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेंबरशिप वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेंबरशिप वैल्यू इज नथिंग बट सिंपली अ स्कोर, इट इज सिंपली अ स्कोर और अ वैल्यू व्हिच टेल्स यू दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर फजी सेट, बराबर, दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर फजी सेट, ये होता है मेंबरशिप वैल्यू, बराबर। अभी जितनी बड़ी आपकी, सी, जितनी ज्यादा, जितनी बड़ी, जितनी ग्रेटर आपकी मेंबरशिप वैल्यू होगी, उतना स्ट्रांगली आपका जो एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर फजी सेट को बिलोंग करता है। क्या बोला मैंने आपको, समझ में आया, जितना ज्यादा बड़ी आपकी ये पर्टिकुलर मेंबरशिप की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा स्ट्रांगली आपका पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर फजी सेट को बिलोंग करेगा। तो यहां पे ए की वैल्यू 0.9 है, मतलब क्या कि ये जो एलिमेंट ए है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली सेट ए, फजी सेट ए को बिलोंग करता है या फजी सेट ए में लाए करता है, बराबर है कि नहीं। और अगर इसी का उल्टा देखा जाए तो एक एलिमेंट है सी यहां पे, और सी का है सिर्फ 0.1, सी का जो मेंबरशिप वैल्यू है वो सिर्फ 0.1 है, तो ये जो 0.1 मेंबरशिप वैल्यू ये क्या इंडिकेट करती है कि ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, ओके। एक चीज मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, मेंबरशिप वैल्यूज आर रेंजिंग फ्रॉम 0 से 1 तक, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, रिमेंबर
मेंबरशिप वैल्यूज आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ये याद रखना है। अभी अगर मेरा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कि अगर कोई मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर फजी सेट, मतलब इस पर्टिकुलर फजी सेट के लिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको उसे यहां पे लिखना ही पड़ेगा, उसे आपको यहां पे लिखना ही पड़ेगा, भले ही फिर उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू हो कितनी भी कम ना कम क्यों ना हो, लेकिन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आप उसको इस पर्टिकुलर सेट में लिख सकते हो एज अ ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, विद द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 0.1 दिस सी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सिंपल फजी सेट जी, बराबर। अब ये तो बड़ा मामला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि मेंबरशिप वैल्यूज जो है वो आपकी कहां से रेंज करती है, 0 से लेके 1 तक रेंज करती है। तो अगर मेरा किसी भी एलिमेंट का अगर मेरी मेंबरशिप वैल्यू 0 हो गई तो उसमें क्या किया जाए, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सी एलिमेंट है बराबर, फॉर द फजी सेट जी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की सी जो एलिमेंट है अगर उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 है तो मैं उसको काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, बराबर। उसकी वैल्यू 0 होने का मतलब यह है कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फजी सेट, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर उसकी वैल्यू 0 है मेंबरशिप वैल्यू तो ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर फजी सेट को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए उसको लिखो ही मत, ओके। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यस। तो अगर 1 है तो 1 तो सबसे ज्यादा है, और 1 अगर सबसे ज्यादा मेरी मेंबरशिप वैल्यू है तो इसका मतलब ये जो सी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है या फिर स्ट्रांगली बिलोंग करता है टू दिस फजी सेट जी। अभी फिलहाल तो अगर ये आंकड़े हैं और यहां पे अगर मैं देखो और एनालाइज करो तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा एलिमेंट नंबर ए है, और आई शुड से एलिमेंट ए है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बिलोंग करता है टू द फजी सेट जी, बराबर। अभी उसी तरीके से मैंने दूसरा एक सेट लिया जो कि बैड स्टूडेंट्स का था, और मैंने उन्हीं चारों स्टूडेंट्स को कंसीडर किया, ए बी सी और डी, इन्हीं चारों को कंसीडर किया और फिर देखा कि भैया उनकी क्या आती वैल्यू। अब यहां पे मैंने कैलकुलेट क्या किया था, यहां कैलकुलेट किया था डिग्री ऑफ गुडनेस, यहां कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ बैडनेस। डिग्री ऑफ बैडनेस मतलब ये कितने खराब है, कितने प्रतिशत खराब है, बराबर। तो अभी अगर इनमें से किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू 0 आती है तो मैं उस एलिमेंट को इस पर्टिकुलर फजी सेट में लूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उनकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कुछ तो भी ग्रेटर है, 0 नहीं है, कुछ तो भी ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे उसे यहां पे लेना ही पड़ेगा उस एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल अब यहां पे ए जो है, पहले भी ए एलिमेंट था, उसकी डिग्री ऑफ गुडनेस 0.9 था, तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर यहां 0.9 है तो कितना प्रतिशत बैड है वो, ओके, यानी कि यहां 90% बंदा गुड है, मतलब 10% बैड है। तो यहां पे मैंने उसको इंक्लूड किया विद द मेंबरशिप वैल्यू 0.1, समझ में आया, विद द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 0.1। तो ए इज अ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू द फजी सेट एस विद द मेंबरशिप वैल्यू 0.1, बड़ा सिंपल सा फंडा है। सिमिलर तरीके से बाकियों की भी कॉमन सेंस यूज करके मैंने यहां पे वैल्यू लिख दी। पहले जो सी था उसकी सबसे कम वैल्यू थी मेंबरशिप वैल्यू फॉर द फजी सेट जी, लेकिन अभी उसी की जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटर देन हो गई है फॉर द फजी सेट एस, बराबर है कि नहीं। इसी तरीके से मैनिपुलेशंस होते हैं। और एक चीज अभी मैं सिर्फ आपको इसमें बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्रिस्प सेट और फजी सेट में नोटिस करने जैसी है, वो ये है। क्रिस्प सेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम एक ही एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर सकता है, एट अ टाइम एक एलिमेंट दो सेट्स को बिलोंग नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है। अब ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्या होती है, अगर ये समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एलिमेंट आपका स्ट्रिक्टली एक ही सेट को बिलोंग कर सकता है, एट अ टाइम दो सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ क्रिस्प सेट में देखने को मिलेगा, फजी सेट में नहीं। बिकॉज यहां पे मेरे पास दो सेट्स हैं और ये जो दोनों के दोनों जो मेरे सेट्स हैं इसमें ए एलिमेंट इज कॉमन, बी एलिमेंट इज कॉमन, सी एलिमेंट इज कॉमन, डी एलिमेंट इज कॉमन, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पे जो मेरा एलिमेंट ए है जो बिलोंग करता है जी को, सेट जी को, उसकी पर्टिकुलर मेंबरशिप वैल्यू है 0.9, और वही एलिमेंट जब बिलोंग करता है सेट एस को तब उसकी रिस्पेक्टिव मेंबरशिप वैल्यू है 0.1, दैट्स इट, और ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो यहां पे फर्क क्या हो रहा है, सिर्फ मेंबरशिप वैल्यू का, क्योंकि हमने फजी सेट में 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 हमने यहां पे
ये रूल यहां पर रखा है, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, क्योंकि मैं जीरो भी ले सकता हूं, वन भी ले सकता हूं, और जीरो से लेके वन में कोई भी आंकड़ा ले सकता हूं, बराबर। तो इस वजह से मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। क्रिस्प सेट में हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा था कि हमें सिर्फ एक तो जीरो यूज करना है या वन यूज करना है। जैसे मैंने कहा था 0% या फिर 100%, बराबर है कि नहीं। अ एलिमेंट बिलोंग टू अ सेट 0% और 100%, मतलब एक तो बिलोंग करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, लाइक दैट। तो यहां पे मैं रिस्ट्रिक्शन हटा रहा हूं, यहां पे मैं 0 और 1 नहीं रख रहा, मैं 0 और 1 वो तो रख ही रहा हूं, प्लस उसके बीच की जो रेंज है जिसमें 10 20 30 40 बहुत सारे नंबर आते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या हुआ, इस फ्लेक्सिबिलिटी को अडैप्ट करने की वजह से क्या हुआ फजी सेट्स में, कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा सेट को बिलोंग कर सकता है विद डिफरेंट मेंबरशिप वैल्यूज। ये था इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू अभी बता दिया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन बिटवीन द फजी सेट्स एंड क्रिस्प सेट, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अभी वहां पे अगर आप क्रिस्प सेट लो, वहां पे क्रिस्प सेट में सिर्फ ये दो वैल्यूज अलाउडेड है। ओके, अगर मेरा ये है एक सेट ए, ओके, और अगर ये एलिमेंट है, तो अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट ए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर मेंबरशिप वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो 101% जीरो होगी। और अगर मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेट ए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। बिकॉज एक तो क्रिस्प सेट में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट ए एक तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। 0 कब होगी, जब वो उस सेट को बिलोंग नहीं करता। 1 कब होगी, जब वो उसको बिलोंग करता है। लेकिन यहां पे हमने 0 और 1 तो लिया ही है फजी में, बट उसके बीच की वैल्यूज भी ले ली जो कि यहां पे मैंने इलस्ट्रेट किया है। और वो करने की वजह से क्या करना पड़ा हम लोगों को, एक एलिमेंट आपका दो सेट में मौजूद हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, आपका एक ही एलिमेंट दो या दो से ज्यादा सेट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मेंबरशिप वैल्यू। सिर्फ मेंबरशिप वैल्यू बदल जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन एलिमेंट सेम होगा, सेम एलिमेंट आपका एक से ज्यादा सेट में वहां पे मौजूद होगा। तो ये था बेसिक सा फजी सेट दोस्तों। अगले वीडियो में डिटेल में एक तरीके से बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फजी सेट एंड क्रिस्प सेट, वहां पे आपका आइडिया टोटल क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप फंक्शन, फिर उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से लिखे जाते हैं, और फिर उसको कैसे हम लोग, मैंने जो एग्जांपल से बताया कि एक ही एलिमेंट आपका दो सेट्स में कैसे प्रेजेंट हो सकता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो भी सब आपको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगले वीडियो में और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एग्जाम आ रही है सब तक मेरी मदद पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।